पूछना चाहते हैं। मुझे धोखी सर जी में क्यों बुलाया? क्योंकि आपने बाल गोपाल जी से बुरी तरह से बात की। तो क्या इस तरह की हरकत के बाद हम आपको ऐसे ही जाने देते? तुमने क्या ठेका लिया है? तुम होती कौन हो जो आप कौन होते हो? हम भगवान की इज्जत करते हैं और उनके सामने कोई इस तरह से बात करे हमसे देखा नहीं जाता। मुंह फेर लिया करो। आप कभी सर झुका लिया करो, कम से कम भगवान के सामने ही तो सही। बात कमर तो आप हो ही, हमें लगा कि शायद आरती करने के बाद आपको कुछ सबूत दिया जाए। बिना शादी के किसी लड़की के साथ ऐसे रहे? जो बोलना है मेरे सामने बोलो। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखकर बात किया करो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हमने कहा कि आप राक्षस है राक्षस, भगवान की तो आप कदर नहीं करते, इंसानों के लिए भी आपके दिल में कोई अहमियत नहीं है। कभी तो लावण्या जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, बिना शादी किए उनके साथ रह रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आप एक औरत की बेइज्जती इस तरह से कैसे कर सकते हैं? उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाकर जिसको समाज में कोई दर्जा नहीं दिया जाता, आप बिना शादी के कैसे रह सकते हैं? मैं रह सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ है, पर मैं शादी में विश्वास नहीं करता। और लावण्या जी, आपने कभी उनसे पूछा कि वो क्या चाहती है? तुम होती कौन हो उसकी तरह से? एक लड़की होने के नाते हम ये अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होता जो हमारे साथ रिश्ता तो बनाना चाहता है पर उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहता, उससे बड़ी बेइज्जती की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। डरते हैं आप अपने रिश्ते को नाम देने के लिए क्योंकि आप कमजोर हैं। पर आपने कभी ये सोचा कि आपके माँ बाप ने भी शादी? तुमने सुना नहीं, मैंने कहा गेट आउट। इतनी रात को हम में बैठो। पहले आप अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगिए। We'll be right back.
अर्नब सिंह रायजादा, तुम जैसी बेवकूफ लड़की को बचाने के लिए वापस आया और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा, अपनी औकात में ना करो। गाड़ी में बैठो। जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक हम आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। खड़ी रहो यहीं सड़क के बीच। किशोर, अभी तक परमेश्वरी नहीं लौटी है। वाजी, आपको उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। अब उनके पास तो फोन भी नहीं है, अब उसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? क्या करें बबुआ? अरे हम तो इतना समझाए थे, लेकिन वो आपकी पुड़िया किसी की सुने तब ना। श्याम जी, इतनी रात हो गई, हम रायजादा हाउस फोन करके देखें। समझ नहीं आ रहा क्या करें। खुशी, खुशी कहाँ गई ये लड़की? हम देखते। आ गई परमेश्वरी। हाय रे नंद किशोर, हमारी तो जान ही अटकी रही। शिव, तुम ठीक तो हो ना? पता है हम कितने घबरा गए थे। जी जी, हम ठीक है। ये क्या हुआ खुशी? वो ऑटो से निकलते वक्त लग गया था। काहे? तनख्वाह मिली है का नंद किशोर, जो माटी में लोट लगाए के आई रही हो? हैं? देखो खुशी, हम वहां पर कुछ नहीं कह पाए, लेकिन अब कह रहे, हमें लावण्या जी बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हद से आगे बढ़ते जा रही है वो। किसी से बर्ताव करने का ये कोई तरीका है क्या? घर माँ, नया नौकर आ जाए तो पूछताछ करना जरूरी होता है।
हाँ, और वैसे भी ये चेक करना है कि कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है।